हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एंगल ऑफ स्टडी रूट ऑफ सक्सेस। दोस्तों, सभी स्टूडेंटों के लिए खुशखबरी है कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने ग्रुप डी लेवल फर्स्ट की जो पोस्ट थी उसका फुल नोटिफिकेशन निकाल दिया है। तो आज हम देखते हैं कि क्या क्या क्वालिफिकेशन हमें इसके लिए चाहिए, कैसे हम इस फॉर्म को भरें, हम टोटल सारी चीज़ें देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं डेट ऑफ पब्लिकेशन। इसका डेट जो है वो 23/2/2019 को पब्लिसेट किया था। इसकी ओपनिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट जो है वो 12/3/2019 है और क्लोजिंग डेट जो है वो 12/4/2019 है। तो दोस्तों, बिना क्लोजिंग डेट का वेट किए हुए आप फॉर्म भर सकते हो, क्योंकि ज़्यादा लास्ट में भरोगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि साइट नहीं चलती, कई बार ये सारी प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो सकती है, इसलिए जल्दी से जल्दी इसको फॉर्म को भर दीजिए। ऐसे ही आपको फ़ी की डिटेल दी हुई है पूरी, ताकि फ़ी की डेट क्या है, तो 23/4/2019 आपके फ़ी की डेट है। और अगर आप SBI से चालान या पोस्ट ऑफिस से चालान कराना चाहते हो तो 18/4/2019 इसकी लास्ट डेट है। ऐसे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की CBT जो टेंटेटिव डेट है वो September/October 2019 की है, मतलब सितंबर और अक्टूबर में आपका एग्जाम हो सकता है, सिर्फ टेंटेटिव है, कोई फिक्स डेट नहीं है। तो दोस्तों, आगे हम देखते हैं डिटेल ऑफ वैकेंसी। दोस्तों, जो ये एग्जाम ले रहा है ये रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ले रहा है, तो इसमें टोटल 16 सेल बनाए हुए हैं। इन 16 सेल के अंदर टोटल वैकेंसी दी हुई है, कितनी कितनी वैकेंसी है। और जैसे कि सेल है, जैसे फर्स्ट सेंट्रल रेलवे सेल है, तो सेंट्रल रेलवे सेल के अंदर जनरल SC ST OBC, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि पिछली बार जो आपकी पोस्टें थी वो सिर्फ जनरल SC ST और OBC के लिए थी, अब की बार इसमें EWS की अलग से सीटें आई हैं, जो मेंशन की हुई है आपके पास EWS की सीटें, और सभी जोन के अंदर अलग अलग EWS की सीटें हैं। तो दोस्तों, जो जिस भी स्टूडेंट का EWS का सर्टिफिकेट बना हुआ है वो इसका जरूर फायदा उठाएं, तो जनरल से ना भर के EWS से भरें, और इससे आपको जरूर बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अभी EWS का सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है, इससे आप जिसने बनवा रखा है वो इसका एडवांटेज ले सकते हैं। तो दोस्तों, जो टोटल वैकेंसी यहाँ पे है वो 1,03,769 पोस्टें टोटल निकली है, जो अलग अलग सेल से अलग अलग वैकेंसियाँ हैं। दोस्तों, हम आगे देखते हैं, इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ ये लिखी हुई है कि SC ST और OBC जो नॉन क्रीमी लेयर वाले हैं, और EWS और PWD के लिए, उनके लिए रिजर्व जो सीटें हैं वो 56,504, ये टोटल रिजर्व सीटें हैं, जो आपकी टोटल वैकेंसी है उसके अंदर 56,504 इन कैटेगरीज के लिए रिजर्व की हुई है। तो दोस्तों, हम नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों, अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन एग्जामिनेशन प्रोसेस के। तो दोस्तों, इसके अंदर स्टेज ऑफ एग्जाम ये रहेगा कि CBT 1 होगा, जैसे कि अभी प्रीवियस पेपर में हुआ था, CBT 1 होगा, उसके बाद आपका PET टेस्ट होगा। लेकिन दोस्तों, इस नोटिस के अंदर एक स्पेशल बात बोली गई रेलवे के द्वारा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सभी स्टूडेंटों को पता होनी चाहिए। अगर रेलवे को ज़रूरत पड़ी तो वो CBT 2 भी करा सकता है। यहाँ पे इन्होंने क्लियर किया है कि अगर रेलवे को ज़रूरत पड़ी तो CBT 2 भी करा सकता है, और अगर ज़रूरत नहीं पड़ी तो वो CBT 2 नहीं कराएगा। इसलिए बिना किसी ऑब्जेक्शन के हम CBT 2 को भी देना पड़ेगा। और इसके साथ साथ नॉर्मलाइजेशन मार्क्स भी इन्होंने बताया कि नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस जो पहले हुई थी वही प्रोसेस दोबारा होगी। उसके बाद जो बच्चा स्टूडेंट जो शॉर्टलिस्ट होगा CBT 1 के अंदर, उसके लिए PET एग्जाम होगा। उसके बाद इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग दी हुई है, 1/3 इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग होगी, जो सभी के लिए होगी, CBT 1 के जो भी पेपर देंगे उनके लिए। दोस्तों, जनरल इंस्ट्रक्शन ये है कि जो कैंडिडेट अपना फॉर्म भर रहे हैं वो जो 10वीं की मार्कशीट के अंदर उनके पापा का नाम, खुद का नाम और जो डेट ऑफ बर्थ है वो ही भरनी है फॉर्म के अंदर, इसके अलावा और कुछ नहीं भरना है। अगर कोई गलती से कुछ गलत भर दे तो इसके अंदर करेक्शन भी हो सकता है, 100 रुपये लगेंगे आपके मॉडिफाई करने के लिए, तो आप मॉडिफाई भी इसको कर सकते हो। तो दोस्तों, एज लिमिट आपकी 18 से 33 साल है जनरल कैटेगरी के लिए, और इसकी जो एज की काउंटिंग होगी वो 1/7/2019 से होगी। और इसके साथ साथ OBC के लिए 3 ईयर का रिलैक्सेशन है, SC ST के लिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन है, इसलिए सभी कैटेगरी के लिए अलग अलग रिलैक्सेशन इसमें दिया हुआ है। वैसे जनरल कैटेगरी के लिए 18 से 33 साल है, तो ये रिलैक्सेशन सबका दिया हुआ है अलग अलग कैटेगरी के लिए, तो आप इसको पूरा रिलैक्सेशन जिस भी कैटेगरी से आप भर रहे हो आप देख सकते हो। और दोस्तों, ये एज ग्रुप दिया हुआ है 18 से 33, इसके अंदर अपर लिमिट ऑफ एज दी हुई है, लोअर लिमिट ऑफ एज दी हुई है, जो आपको जनरल के लिए ये दी हुई है, OBC के लिए दी हुई है, SC ST के लिए दी हुई है।
तो जनरल के लिए 9086 मतलब 27986 ये अपर लिमिट है और लोअर लिमिट 1/7/2001 है। तो ये जनरल कैटेगरी के लिए, ऐसे सभी कैटेगरी के लिए अपर और लोअर लिमिट दी हुई है। और आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपको 10th मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th जरूरी है, इसके साथ साथ जो ITI जिन्होंने किया हुआ है वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। और डिप्लोमा डिग्री और इंजीनियरिंग विल बी एक्सेप्टेड, मतलब वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, मतलब मिनिमम 10th होना चाहिए, उसके बाद कोई भी इस फॉर्म को भर सकता है। ठीक है, एग्जामिनेशन फीस जो है वो आपकी जो जनरल और OBC कैंडिडेट हैं उनको 500 रुपये एग्जामिनेशन फीस देनी पड़ेगी, और साथ में 400 रुपये आपके वापस आ जाएंगे CBT 1 के बाद। ऐसे ही जो कैटेगरी जो PWD फीमेल या ट्रांसजेंडर जो है उनके लिए 250 रुपये फीस है, और 250 पूरी रिफंड आ जाएगी आफ्टर CBT 1। तो दोस्तों अब मैं बताता हूँ आपको रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है, इसके अंदर CBT होगा आपका, उसके बाद आपका PET टेस्ट होगा, फिर DV होगा। तो ये तीन आपको अलग अलग चरण है, इसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, और उसके बाद जो भी फाइनल जो कट ऑफ आएगी उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसके अंदर CBT 1 भी मैं बता चुका हूँ पहले भी कि CBT 2 की अगर ज़रूरत पड़ी तो CBT 2 भी यहाँ पे होगा। और आपका CBT जो होगा उसके लिए सिलेबस क्या क्या होगा, भाई आपका 90 मिनट का पेपर होगा, उसमें 100 क्वेश्चन होंगे, जनरल साइंस के 25 होंगे, मैथमेटिक्स के 25 होंगे, जनरल मतलब रीजनिंग के 30 होंगे, और जनरल एवरेंज के 20 होंगे। ये पुराना ही सिलेबस है जो प्रीवियस जो अभी पेपर हुआ था ग्रुप डी का, जो पेपर उसके अंदर जो सिलेबस था वो कम्प्लीटली वही सिलेबस है, कोई चेंज इसके अंदर नहीं है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। इसके साथ साथ आपको जनरल को 40% चाहिए मिनिमम क्राइटेरिया, EWS को 40%, OBC, SC और ST तीनों को 30% चाहिए, ये मिनिमम क्राइटेरिया, इतने नंबर तो आपको आने ही चाहिए। इसके बाद कट ऑफ अलग लग जाएगी। इसके बाद ये आपके टोटल सिलेबस है, मैथमेटिक्स का सिलेबस है, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग का है, जनरल साइंस का है, और जनरल एवरेंज का, वही सेम सिलेबस है जो प्रीवियस के अंदर आया था। और ये फिजिकल टेस्ट मतलब PET के लिए जो क्राइटेरिया है मेल कैंडिडेट को, वही 35 kg वेट लेके 100 मीटर 2 मिनट में दौड़ना है, फीमेल के लिए ये 20 kg हो जाएगा, और आपको 1000 मीटर 4 मिनट 15 सेकंड के अंदर मेल को, और 1000 मीटर 5 मिनट 40 सेकंड में फीमेल को, ये रनिंग का स्टेटस है। ये टोटल आपको PET के लिए है। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ पोस्ट का पैरामीटर क्या क्या है। तो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने टोटल 17 कैटेगरीज के अंदर पोस्टों को डिवाइड किया गया है, तो ये 17 कैटेगरी आपके सामने हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर अलग अलग 17 कैटेगरीज हैं, उनके साथ साथ आपको मेडिकल स्टैंडर्ड दिया हुआ है, और आपका एज का दिया हुआ है 18-33 साल, साथ में मिनिमम क्वालिफिकेशन दे रखी है आपको 10वीं पास या फिर ITI। तो जो मिनिमम 10वीं पास हैं उसके ऊपर उन्होंने कुछ भी किया हुआ है तो वो इस फॉर्म को भर सकते हैं, और ITI किए हुए हैं वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा अलग अलग जोन से अलग अलग पोस्टें निकली हुई है, कितनी कितनी किस किस जोन से निकली हुई है पूरा इसके अंदर दिया हुआ है। मुंबई के अंदर ये मुंबई का है टोटल, मुंबई के बाद ये हाजीपुर का है, ऐसे करके टोटल आपको रिक्वायरमेंट बोर्ड के सभी के दिए हुए हैं। तो आप इनको देखने के लिए एक बार हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर ये पूरा नोटिफिकेशन का लिंक दिया हुआ है, आप डाउनलोड कर लेना और कम्प्लीटली आप इसको देख लेना। और दोस्तों एक सेफ जोन के लिए हम वीडियो बनाने वाले हैं, तो अगर आपको सेफ जोन देखना है तो एक बार हमारा वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, और कमेंट करके हमें बता दीजिएगा अगर किसी को कोई दिक्कत हो फॉर्म भरने में, किसी बात की प्रॉब्लम हो, और साथ में साथ इसको शेयर करना और इसको लाइक करना। थैंक यू।